हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश से रिलेटेड। देखिए, मार्केट में एक तरीके का बबल बनता जा रहा है, बबल तो नहीं कहेंगे बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है कि, और मैंने उनमें से तीन सिचुएशन ऐसी पकड़ी है कि उन थ्री रीजंस की वजह से ना मार्केट आपको इस वीक में अगर बात करें 14,000 या उससे नीचे जा सकता है। अभी लगभग 14,700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है बट मार्केट और भी नीचे जा सकता है और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। बट आपको क्या रणनीति तैयार करनी है, क्योंकि देखिए मार्केट से एग्जिट होना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि मार्केट से कम्प्लीटली एग्जिट हो जाना आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज की डेट में कल ऊपर चली गई, ओके नेक्स्ट पल में ही नीचे चली गई, तो मार्केट में आप रहोगे तो आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे, इस बात को याद रखना। तो एग्जिट भी नहीं होना, हमें ऐसी रणनीति अपनानी है कि हमें वहाँ पर प्रॉफिट भी हो, ऑब्वियस सी बात है, और अगर कल की डेट में नीचे भी आ जाए तो हमारे स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए कि हमारे स्टॉक ऊपर चले जाए। तो सबसे पहले रीज़न जान लेते हैं कि मार्केट नीचे क्यों जा सकती है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और एज वेल एज यहाँ पर आपको देखिए कल की डेट में यहाँ पर वीडियो बनाई थी चार ऐसे स्टॉक जो आप गर्मी में आपके पैसों को ठंडक देंगे। ओके, अंबर इंटरप्राइज, हिटाची, हैवेल्स, ओवरफूल बेहतरीन स्टॉक है। नीचे अगर कल की डेट में मार्केट गिरती है तो उठा लेना, ओके दो तीन महीने के अंदर अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर एक और शेयर था LTI, इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है क्यों ये स्टॉक भाग सकता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और ये स्टॉक देखिए कोविड में भी चलने वाला स्टॉक है, ओके। और हमारे सब, और थैंक यू करना चाहता हूँ सभी लोगों को अगेन कि हमारे 1,000+ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1,00,000 का है। एज वेल एज अगर हम बात करें, हमारा एक मिशन भी है कि हमारे जितनी भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, हर एक की पोर्टफोलियो में एटलीस्ट $1,000,000 होने चाहिए आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, ओके। एंड वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं मार्केट क्रैश। जैसे कि आपको पता ही है मार्केट क्रैश का डर लगा हुआ है, और क्यों मार्केट क्रैश हो सकती है और मार्केट क्रैश होने के बहुत सारे रीजंस हमें इंडियन मार्केट को एक्चुअली मिलते जा रहे हैं, ओके। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बातें करने वाले हैं। बट एक और बात करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर फ्री में आपका अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आज की वीडियो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कोविड के केस, सबसे पहला रीज़न है ये। तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि कोविड के केस अब हमारे कम होने को आ ही नहीं रहे, और आई थिंक कल तो नहीं, परसों की डेट में, ये कल का डेटा है 3,92,000, बट अगर बात करें परसों की डेट में लगभग 4,00,000 के आसपास आई थिंक केसेस आते हुए नज़र आए थे, ओके। तो इस बात को याद रखिए, मार्केट में अगर ये केसेस बढ़ते गए, ओके, और हम ओवरकम कर रहे हैं, हमारे पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, हमारे देश में कम से कम 2,00,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो गए थे, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। बट एज वेल एज जिस तरीके से न्यूज़ आती जा रही है, और हमारी मेडिकल सर्विसेज हमारे देश में इतनी बेहतरीन नहीं है, ओके, तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है आगे। तो नंबर एक रीज़न यही है कि कोविड बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास और जितने आप जिन भी लोगों की हेल्प कर पाए तो डेफिनेटली उनकी हेल्प करिए, और आप अगर कुछ पैसों से मदद कर सकते हैं दूसरे लोगों की मदद करिए। अदरवाइज़ यहाँ पर PM केयर फंड, यहाँ पर मैंने उनका लिंक दे रखा है, ओके, वहाँ पर आप जाके government.in वहाँ पर आप डोनेट भी कर सकते हैं, और डोनेशन करना हमेशा एक पुण्य का काम होता है। मतलब किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए तो दिस इज़ अ बेस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड। तो अगर बात करें तो दूसरी न्यूज़, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरी न्यूज़ से रिलेटेड, दूसरी न्यूज़ है लॉकडाउन। यहाँ पर अब न्यूज़ आ रही है अलग अलग की, लॉकडाउन, ये लॉकडाउन हो रहा है, वो लॉकडाउन हो रहा है, इस शहर ने लॉकडाउन लगा दिया, उस शहर ने लगना, पहले देखिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था, ओके, लॉकडाउन लगा था, या कह सकते हैं कि लॉकडाउन इन द सेंस वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगता हुआ नजर आया था, अलग अलग स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू। फिर उसके बाद अगर बात करें हरियाणा, दिल्ली ने लॉकडाउन लगा दिया था, अब उन्होंने पहले 7 डेज का लगाया, फिर 7 डेज उन्होंने आगे किया, फिर उसके बाद अगेन उन्होंने 7 डेज आगे कर दिया। तो मेरे को लगता है कि ये सिचुएशन जब तक ठीक नहीं होती तो लॉकडाउन 1-2 महीने तक और एक्सटेंड हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। एज वेल एज बात करें, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है क्या, हरियाणा में भी 7 डेज का यहाँ पर लॉकडाउन लगता हुआ नजर आ रहा है, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन, सिंपल नाइट कर्फ्यू नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन। गोवा में केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे, कर्नाटका में भी आई थिंक लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, तो इस चीज़, उड़ीसा में भी देखिए 14-डे लॉकडाउन फ्रॉम 5th टू 19th में, तो मल्टीपल उड़ीसा में भी आप देख लीजिए, ओके। तो
अलग अलग स्टेट से अलग अलग न्यूज़ आ रही है लॉकडाउन से रिलेटेड, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ओके, तो इस चीज़ में कौन से शेयर भागेंगे तो आपको पता ही है, उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट एक और डेटा, तीसरी वजह, ओके, पहली वजह क्या होगी, मार्केट में आपका ये कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, दूसरी केस हो गई लॉकडाउन से रिलेटेड, तीसरी न्यूज़ जो मेन है वो है ये डेटा FIIs और FPIs। तो बात करें तो उन्होंने फ्राइडे के दिन 3,465.07 करोड़ रुपीस को यहाँ पर मार्केट से निकाला है। हाँ, बात अलग है कि हमारे DIIs भाइयों ने डाले हैं, ओके, उन्होंने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आया है, बट स्टिल उन्होंने ये पैसा मार्केट से निकालता हुआ नजर आया है और उन्हीं की वजह से मार्केट देखिए अप है अगर बात की जाए। और जैसे जैसे ये डेटा हमें नेगेटिव में दिखता रहेगा, वैसे वैसे मार्केट में नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं अप्रैल के महीने में, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल, ओके, अप्रैल 2021, तो उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए निकाले हैं, ओके, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर या 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने यहाँ से मार्केट से निकाले हैं। हाँ, DIIs ने यहाँ पर डालते हुए नजर आए हैं, सॉरी, यहाँ पर 11,359.88 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर DIIs ने डाले हैं। बट देखिए, ये तो देखिए मार्केट को मतलब बैलेंस रखने की चीज़ें, ये डाल रहे थे, ये निकाल रहे थे, ये अब ये निकाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर मेन चीज़ यहीं पर ही, ये निकाल हमारे FIIs निकाल देने लग जाते हैं पैसे, तो मार्केट में इस वो खलबली मचने लग जाती है। अगर हम यहाँ पर और भी डेटा देखें, यहाँ पर आप देखिए मार्च में उन्होंने 65,000 करोड़ रुपये एक साथ निकाल लिए थे, ओके, और सबसे पहले देखिए यहाँ पर फेब में उन्होंने 12,000 करोड़ जो कि इस बार भी निकालते हुए नजर आए हैं। तो आगे अगर कोविड के केसेस ठीक होते हैं तो दोबारा FIIs लौटते हुए नजर आएंगे, बट एक दो महीने के लिए न्यूज़ आ रही है कि FIIs मार्केट से पैसा निकालते हुए ही नजर आ सकते हैं। और पैसे वो उन्होंने पैसा निकाला तो निफ्टी 14,000 का 13,000 भी आ सकती है और 12,000 भी। हाँ, ये है कि 7,000 और जिस तरीके से 8,000 तक मार्केट गई थी लास्ट टाइम, इतनी मार्केट नहीं जाने वाली, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और मार्केट से एग्जिट होना भी एक कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मार्केट में रहकर ही आप पैसा कमा पाओगे, मार्केट से बाहर रहकर नहीं। अब इसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्यों होनी चाहिए, उससे रिलेटेड हम बातें करते हैं। तो देखिए, कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ओके, एज वेल एज लॉकडाउन की न्यूज़ें आती जा रही है, तो दो तीन सेक्टर ऐसे हैं अगर बात की जाए, FMCG, IT एज वेल एज फार्मा, ऐसे तीन सेक्टर मुझे नज़र आते हैं कि जो भागते हुए आपको फ्यूचर में भी नज़र आएंगे। तो अगर इस तरीके के कोविड के केसेस, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी और लोगों की दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, बेस्ट स्टॉक के साथ रहिए, छोटे स्टॉक के साथ रहोगे, लोअर सर्किट अपर सर्किट का खेल रहेगा, वहाँ पर आपको फंसने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। एज वेल एज फार्मा के शेयर भागेंगे ही, और वैक्सीन से रिलेटेड जैसे कैडिला या एस्ट्राजेनिका हो गए, ये शेयर भी भागते हुए हमें बहुत जल्दी नज़र आ सकते हैं। तो जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे तो उस टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छा खासा पर। जैसे कि अगर बात करें डिविस लैब ने लगभग 3.87% की यहाँ जंप दिखाई थी 4,062, और बात करें तो 4,140 तक ये शेयर जाते हुए मुझे नज़र आया था। ओके, मेरे पास भी ये शेयर था, मैंने वो कल के डेट में निकाल दिया, बट स्टिल अगर दोबारा नीचे आता है तो ये मैं खरीदूंगा, इस बात का याद रखना। और आप लोगों के भी कहूंगा, बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स यहाँ पर है, अगर बात करें इपका लैब, ओके, यहाँ पर बात करें ऑरो फार्मा भी काफ़ी बात चर्चा हो रही है, कैडिला, ओके, डॉक्टर लालपैथ लैब, डॉक्टर रेडी लैब, और बात करें डिवेस लैब, तो ये शेयर आपको अच्छे खासे भागते हुए नजर आ सकते हैं। इनकी तरफ नज़रें देखिए और अपने आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, कौन सा फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि आपने उन स्टॉक्स में ज्यादा टाइम बिताया है, तो इस हिसाब से जैसे डिविस लैब में मैंने अच्छा खासा टाइम बिताया, तो मैं कह सकता हूं डिविस लैब इज वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक। मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी नीचे आता था आपको कहता था बाई करो, ओके, यहां पर वीडियो मैंने बार बार यहां पर बनाई है, तो डिविस लैब की तरफ आपको नजरें रखनी है, ओके। और बात करें और भी सेक्टर, तो सेक्टर में अगर बात करें IT, तो IT के तो आप कोई भी शेयर उठा लीजिए जो लार्ज कैप स्टॉक है, और जो मिड कैप में अच्छे अच्छे स्टॉक है, जैसे माइंडट्री की बात कर ले, हम बात कर लेते InfoEdge की, हम बात करते अलग अलग, यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है, बट इस गिरावट को आपको फायदा उठाना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये शेयर, ये जो कंपनीज है अपने घर से भी काम करेंगी, ओके, और इनको बिजनेस मिलता हुआ और ज़्यादा नजर आएगा, ओके। आप अगर सोच रहे हो कि इनका बिजनेस चला, ऐसा कुछ नहीं, विदाउट टेक्नोलॉजी दिस वर्ल्ड इज नथिंग। यहाँ पर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे को टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बना रहा हूँ, लैपटॉप के थ्रू बना रहा हूँ, आई एम यूजिंग इंटरनेट, ओके, आई एम यूजिंग माइक, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और ऑब्वियसली बात है सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहा हूँ, तो
ये कंपनी भागेंगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छे स्टॉक जो आपको लगते हैं जैसे TCS बहुत नीचे आ चुका है, इन्फोसिस जो भागने वाला है, टेक महिंद्रा, SCL तो 900 रुपये के आसपास ये चल रहा है, ये शेयर 1000 रुपये के आसपास चल रहा है, लीजिए ये शेयर, आपको 900 रुपये पे चल रहा है, देखिए खरीदिए इन्हें, ये आगे चल के भागने वाले हैं। इनके रिजल्ट थोड़े से वीक हो सकते हैं ईयरली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, बट इनके पास आगे बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर की डील पड़ी हुई है। एज वेल एज बात करें FMCG में भी सेक्टर में HUL ने अच्छे रिजल्ट दिखाए, मैरिको ने अच्छे रिजल्ट दिखाए, गिरते हैं खरीद लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक चलते रहेंगे, खाने पीने की चीज़ चलती रहेगी, मेडिसिन चलती रहेगी, तो यही एक रणनीति है। ओके, और जितना गिरता है बाय ऑन डिप्स करते रहिए, बेकार स्टॉक है उन्हें जितना भी जैसे एक डिप मिलता है उन्हें निकालते रहिए और अच्छे स्टॉक्स में बनते रहिए, तो यही एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप पार्स पा सकते हो और लंबे टाइम तक रह सकते हो। और इसी से रिलेटेड वीडियो थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अपने बात करूँ मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प और खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।